बच्ची से रेप पर उबली राजधानी। जोरदार प्रोटेस्ट, गाड़ियां तोड़ी। फोर्स तैनात, इंटरनेट सेवा बंद। शहर का शास्त्री नगर इलाका, जहां पर एक युवक ने 7 साल की बच्ची को उसके पापा का दोस्त बनकर पहले तो अगवा कर लिया, इसके बाद अमानी शाह नाले के पास बच्ची से दुष्कर्म किया और करीब 2 घंटे बाद बच्ची को लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया। घर वालों ने बच्ची को कावटिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बच्ची को जेके लोन अस्पताल भेजा गया। उसे देखने पहुंचे लोगों ने जमकर प्रोटेस्ट किया। भीड़ ने 100 से ज्यादा गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले और घरों में पत्थर फेंके हैं। यही वो शास्त्री नगर की कॉलोनी है, जहां पर लगातार आप जिस संख्या में गाड़ियों को खड़ी देखेंगे, उन सभी गाड़ियों के जो रात के समय यहां पर गाड़ियां खड़ी थी, भले ही वो ऑटो क्या ना हो, आप ये देख सकते हैं ऑटो के साइड के शीशे ये तोड़ दिए गए। इसके अगर आगे हम चलते हैं, जितनी गाड़ियां रोड के दोनों तरफ आपको खड़ी दिखाई देगी, उन सभी गाड़ियों के शीशे रात के समय तोड़े गए यहां पर। ये एक विरोध करने का तरीका था। हालात काबू में करने के लिए करीब 40 थानों की फोर्स और RSC तैनात की गई है। पुलिस पे पथराव भी किया और पुलिस द्वारा आंसू गैस वगैरह चला के और जो भी हमारा भीड़ को तितर बितर करने का है, उससे उसको तितर बितर कर दिया गया था और मुकदमा दर्ज करके और कार्रवाई की। हाँ, लोग चिन्हित भी किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। गुस्साए लोगों ने भट्टा बस्ती में मंगलवार को 2 बार पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। लोगों की मांग है कि दुष्कर्मी को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। शास्त्री नगर में 7 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला तूल पकड़ गया और उसके बाद की स्थिति आप देखिए कि एक तरफ उपद्रवी यहां पर बने हुए हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की थी और दूसरी तरफ पुलिस उनको रोकने के लिए यहां पूरे हथियारों के साथ जाब्ते के साथ तैनात है। स्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई है कि यहाँ पर पुलिस के लिए भी एक बार के लिए नियंत्रण करना भारी हो गया, लेकिन उसके बाद में RSC से और STF से अलग से बटालियन यहां पर बुलाई गई और वो यहां पर नियंत्रण करने की अब इसको कोशिश कर रहे हैं। आम जन से ही अपील करूंगा कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है और मुजरिम शीघ्र ही पुलिस गिरफ्त में हो। वहीं चिकित्सा मंत्री ने बच्ची के मुफ्त इलाज की व्यवस्था कराई है। हमने कहा इनका समुचित इलाज करवाओ और निःशुल्क इलाज कराओ और किसी तरह से जो भी संभव हो उपचार उसको मुहैया कराओ, तो बच्ची की हालत अब स्थिर है, ठीक है। राजधानी में सरेराह बच्ची को फुसलाना, रेप करना, किसी की हत्या हो जाना, लूट हो जाना आजकल आम बात हो गई है, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शरद पुरोहित, Zee Media, जयपुर।